नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का संकल्प परिवार में स्वागत है। जैसा कि आपकी कंपटीशन की तैयारी कंटिन्यू चल रही है और उसी प्रोसेस में हम इस समय मैथ के पहले इम्पोर्टेंट चैप्टर परसेंटेज को सीख रहे हैं। अभी तक हमने परसेंटेज के काफ़ी प्रकार के इम्पोर्टेंट अच्छी और बेसिक बातें सीख चुके हैं और वो क्वेश्चन भी सीखे हैं इस बार जो क्वेश्चन सीखने हमारे लिए बेहद जरूरी थे। चलिए उसी क्रम को और आगे बढ़ाते हुए आज परसेंटेज के फिर से कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं। एक ऐसे क्वेश्चन जो हमारे कंपटीशन के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आशा की जाती है कि ये सिलसिला आगे बढ़ते हुए हमारे आगे आने वाले एग्जामों में भी ये क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। तो चलिए इसी सफर को प्रारंभ करते हुए आज हम परसेंटेज के आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। आ गया है आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। क्या कह रहा है पढ़िएगा, चीनी और पानी के 75 लीटर मिश्रण में कह रहा 40% चीनी है, कह रहा इसमें 25 लीटर पानी और डाल दिया गया, तो पूछ रहा है बताइए नए घोल में नए मिश्रण में चीनी कितने प्रतिशत होगी। आइए पहले इस क्वेश्चन को हम बेसिक तरीके से देखते हैं, बिल्कुल बेसिक, उसके बाद हमें एग्जाम हॉल में कैसे इसे देख के बताना है वो भी सीखेंगे। बेसिक आपको आता होगा क्या, कह रहा चीनी तथा पानी के कह रहा 75 लीटर घोल में कह रहा 40% चीनी है। ध्यान सुनिएगा, बेसिक बात है, कह रहा 75 लीटर घोल में 40% चीनी है, तो चाहे काम कर रहे हैं पहले हम 75 का 40% निकाल के देख ले रहे कितनी चीनी है। तो अगर आप 75 का 40% निकालेंगे, अगर आप 75 का 40% निकालोगे तो भैया जो 40% होगा वो कितना हो जाएगा 30। तो कहने का मतलब ये है कि 75 लीटर में जो चीनी है वो कितनी है 30। यहां तक किसी कोई परेशान, उसे बोला है 75 लीटर में 40% चीनी है, तो भैया हमने पहले ये निकाला 75 का 40% कितना होता है, तो 75 का 40% यानी कि 30, वो 30 लीटर या 30 किलोग्राम मैटर नहीं करता, चीनी हमारे पास कितनी है 30। अब आगे क्या बोला, कह रहा है यदि इसमें 25 लीटर पानी और डाल दिया जाए। अब यहां सुनिएगा, कह रहा है 25 लीटर पानी डालना है, तो अच्छा एक बात बताइए जब हम पानी डालेंगे तो क्या चीनी बढ़ेगी, आप बोलोगे नहीं बढ़ेगी। हाँ, लेकिन पहले आपके पास मिश्रण था 75 लीटर, उसमें कह रहा 25 लीटर हमने पानी डाल दिया, तो 75 में 25 लीटर अगर आप पानी डाल दोगे तो इस समय आपके पास मिश्रण कितना हो जाएगा 100 लीटर, कितना मिश्रण हो जाएगा 100 लीटर। तो पूछ रहा है बताइए प्राप्त मिश्रण में नए घोल में चीनी कितने प्रतिशत होगी, तो भैया जो चीनी है वो हमारी कितनी कितनी रहेगी 30, बटे घोल हमारा कितना हो जाएगा 100, और गुणा किसका करेंगे 100 का, और 100 से 100 कट गए, तो कहने का मतलब जो चीनी हमारे पास है वो कितने परसेंट हो जाएगी 30%। आशा करते हैं बेसिक सी बात आपको अच्छी तरीके से आती है। एक फिर से देखिएगा हमने क्या किया, उसे बोला 75 लीटर में 40% चीनी है, तो पहले हमने निकाला चीनी कितनी है, तो हमने 75 का 40% किया यानी कि 30, मतलब हमारे पास जो चीनी है वो कितनी है 30। कह रहा उसमें हमने 25 लीटर पानी और डाल दिया, तो अच्छा एक बात बताइए जब इसमें पानी डालेंगे तो भैया चीनी तो बढ़ेगी नहीं, 25 लीटर पानी डालेंगे 25 लीटर हमारा मिश्रण बढ़ जाएगा, तो हमने जब 25 लीटर डाला तो टोटल हमारे पास मिश्रण कितना हो गया 100 लीटर, कितना मिश्रण हो गया 100 लीटर। तो कह रहा प्राप्त मिश्रण में चीनी कितने प्रतिशत है, तो चीनी तुम्हारे पास भैया 30 है, बट मिश्रण हो गया था 100, और गुणा कर देंगे 100 का और कैलकुलेट किया तो अपना आंसर कितना आ गया 30%। वेरी गुड, आप सभी का यही आंसर आया था, ये बेसिक बातें हमें आती हैं। लेकिन है क्या कि इस बेसिक से क्वेश्चन को लगाने के लिए अभी फिर भी पर्याप्त समय हमारा लग जाता है, तो अब इस क्वेश्चन को, इस प्यारे से क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको समय नहीं देना है। क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं किस प्रकार से एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन पूछता है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी हमारे सामने पूछे जाएंगे तो इनको हमें कैसे आराम से लगा देना है इस बात को समझिएगा।
अब देखते हैं इसको डायरेक्ट हमें कैसे लिख देना है। उसे बुलाया कि चीनी और पानी के 75 लीटर मिश्रण में, कह रहा 40% चीनी है, कह रहा इसमें 25 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो कह रहा है नए मिश्रण में चीनी का प्रतिशत क्या होगा। जब इस प्रकार का क्वेश्चन होगा तो हमें कुछ नहीं करना, सीधे सीधे याद रखिएगा, हम सीधे सीधे क्या कर देंगे, घोल मतलब जो भी घोल दिया गया, गुण है परसेंटेज, घोल मतलब जो भी घोल दिया गया, घोल कितना दिया गया 75 लीटर गुणे परसेंटेज बटे नया घोल, बस सीधे सीधे आप समझ सकते हैं क्या करना, सीधे लिखना है आपको जो घोल दिया जाए वो गुणे परसेंटेज यानी जितने परसेंटेज दिया गया और बटे नया घोल मतलब जो भी करने के बाद बन रहा हो। कैसे देखिएगा तो घोल हमें कितना दिया गया बताइए, 75 गुणे परसेंटेज कितना था 40 बटे, फिर कह रहा है इसे 25 लीटर पानी डाल दिया जाए, 75 पहले था, 25 पानी डालोगे कितना हो जाएगा 100, 25 या 75 और 25 सौ को 100 और जब 4 से कटेंगे और अपना जो राइट आंसर आप लिखोगे डायरेक्ट, वो आंसर कितना लिख दोगे 30%, कितना आंसर आ जाएगा 30%। आशा करते हैं इस बात को आप समझ रहे होंगे क्या करना है इस प्रकार के क्वेश्चन में, जो भी घोल दिया जाए वो गुणे परसेंटेज बटे जो नया घोल आपका बन रहा हो। और अगर आप इस बात को समझ रहे हैं तो इस बात पे और अच्छे से अभ्यास के लिए एक बार और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सभी लोग तैयार रहिएगा अपने अपने पेन और कॉपी के साथ, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमें भी बहुत जल्दी से बताना होगा। तो आइए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। आ गया है, जल्दी से पढ़िए क्या कह रहा, कह रहा 40 लीटर नमक और पानी के घोल में 40% नमक है, कह रहा 10% पानी और डाल दिया जाए तो नए घोल में नमक, डायरेक्ट लिख दीजिए क्या लिखना है, नया घोल कितना हमारे पास है 40 गुणे उसमें कितने परसेंट है 40% बटे, अब वो कह रहा है उसमें 10 लीटर पानी डाल दिया है। अच्छा एक बात बताइए, 40 लीटर पहले था, 10 लीटर पानी डाल दो कितना हो जाएगा 50, किसी कोई समस्या, काट दीजिए 0 से 0 पावट 40 और अपना जो राइट आंसर आ जाएगा वो राइट आंसर कितना आ जाएगा 32%। आशा करते हैं अब इस प्यारी सी बात को आप अच्छे से समझ रहे होंगे। एक बार फिर से देखिएगा, उसने बोला था कि 40 लीटर नमक और पानी के घोल में 40% नमक है, कह रहा 10 लीटर पानी डालने पर कितने परसेंट हो जाएगा नमक, तो चल देखते हैं क्या कितना है, कुछ नहीं करना है, घोल गुणे परसेंटेज बटे नया मिश्रण, घोल घोल कितना दिया गया 40 गुणे परसेंटेज भी कितना है 40 और बटे टोटल लिख देना है, तो टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा 40 और 10 कितने हो जाएंगे 50 और कैलकुलेट करके हमने आंसर अपना बता दिया कितना 32%। आशा करते इस बात को अब आप समझना प्रारंभ कर चुके हैं और अगर आप बात को समझ रहे हैं तो इस बात पे और आगे बढ़ने के लिए आइए मिलते हैं अपने एक और नेक्स्ट क्वेश्चन से। आ गया आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन पहले क्वेश्चन पढ़ते रहिएगा, क्वेश्चन पढ़ते रहिएगा, क्वेश्चन में बदलाव भी हो सकता है। क्या कह रहा है कि चीनी और पानी के 70 लीटर घोल में, कह रहा 30% चीनी है, अच्छी बात है, कह रहा यदि घोल को गर्म करके 10 लीटर पानी वाष्पीकृत कर दिया जाए मतलब पानी कम हो जाएगा यहां, तो क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सीधे सीधे लिखेंगे क्या, घोल घोल कितना दिया गया 70 गुणे कितने परसेंट चीनी है 30 बटे, अच्छा एक बात बताइए, उसने बोला है कि घोल को गर्म करके 10 लीटर पानी वाष्पीकृत कर दिया, तो 70 लीटर आपके पास था, 10 लीटर वाष्पीकृत कर दिया तो अच्छा बताएंगे नया घोल कितना हो जाएगा, बताइए नया घोल कितना हो जाएगा, तो 70 में जब 10 लीटर वाष्पीकृत हो जाएगा तो नया घोल कितना बचेगा 60 आ जाइए, तो 30 × 60 और 2 से जब ये कटेगा तो कहने का मतलब नए घोल में जो चीनी का परसेंटेज होगा वो चीनी का परसेंटेज कितना हो जाएगा 35%। आशा करते इस छोटी सी प्यारी सी बात को आपने बहुत ही अच्छे से समझ लिया होगा, और अगर आपने ये बात समझ ली है तो एग्जाम में एग्जामिनर सिर्फ इसी प्रकार से क्वेश्चन नहीं पूछता है, क्वेश्चन में तमाम प्रकार के बदलाव करता है, क्या क्या बदलाव हो सकते हैं, आइए उसी बदलाव की तरफ आगे बढ़ते हुए और देखते हैं कि क्या चेंज हो सकता है इस क्वेश्चन में। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, आप पढ़िएगा क्वेश्चन और आपको क्वेश्चन पढ़ने से ही समझ में आ गया होगा कि इसमें चेंज हो चुका है और काफी चेंज हुआ है, क्या कह रहा है देखिएगा, उसने बोला है कि 50 लीटर चीनी तथा पानी के घोल में, कह रहा 60% चीनी है 60, कह रहा इस घोल में कितनी चीनी मिलाई जाए कि नए घोल में चीनी, कह रहा 75% हो जाए। वेरी गुड, आप लोगों को ये क्वेश्चन आता है, जिनको आता है वो अच्छे तरीके से रिवीजन करेंगे और जिनको नहीं आता वो सीखने का प्रयास करेंगे और आपको सिखाने की जिम्मेदारी हमारी है, आप बातों को सिर्फ सुनिएगा और समझिएगा, आपको आएगा और आना ही पड़ेगा
लेकिन उससे पहले जिनको आता है वो ये सोच के कट नहीं करेंगे कि हमें ये बातें आती हैं, क्योंकि जिस रास्ते पे चलना आपको आता है उसी रास्ते में बार बार चलते हुए ही आप अपनी मंजिल प्राप्त करते हैं। तो जो चीजें आती हैं उस चीज को बार बार पढ़िए, जिससे हम उस चीज पे आगे आने वाले समय में समय के नाम पर कोई भी समय ना देना पड़े और उन बातों को हम देख कर ही सॉल्व कर सकें। तो आइए देखते हैं अपने इस प्यारे से क्वेश्चन को। उसे बोला है 50 लीटर चीनी तथा पानी के घोल में 60% चीनी है। पहले हम इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से लगा लिया, एक बेसिक तरीका, क्योंकि बेसिक भी हमें पता होना चाहिए। एग्जाम हॉल में क्या करना है वो तो हम सीख ही लेंगे, लेकिन उसका बेसिक क्या है ये भी हमें मालूम होना चाहिए। आइए देखते हैं क्या कह रहा। कह रहा 50 लीटर चीनी तथा पानी के घोल में कह रहा 60% चीनी है। तो पहले आप ये देखिए, इस 50 लीटर में 60% चीनी है। पहले आप निकालिए चीनी है कितनी। तो भैया 50 का 60% है, तो 50 का 60% कितना होता है 30। 30 लीटर आपके पास चीनी है बटे टोटल मिश्रण आपके पास कितना है 50। यहां बेसिक पहले आराम से सुन लीजिएगा। टोटल आपके पास 50 लीटर है, उसमें कह रहा है 60% चीनी है, तो 50 का 60% कितना हो जाएगा 30 बटे चीनी कितनी हो जाएगी 50। कह रहा है इस घोल में कितनी चीनी मिलाई जाए, वो चीनी मिलाने की बात करता है। थोड़ा सुनिए, ये चीनी है और ये मिश्रण है। कह रहा कितनी चीनी मिलाई जाए, हम बेसिक इस समय समझ रहे हैं, हमें नहीं मालूम है चीनी कितनी मिलानी है। चलिए मान ले रहे एक्स लीटर चीनी मिला दो। जब एक्स लीटर चीनी मिलाएंगे तो एक्स लीटर आपका यहां भी बढ़ जाएगा। जब एक्स लीटर चीनी मिलाओगे तो एक्स लीटर आपका यहां भी बढ़ जाएगा, जिससे कह रहा है कि नए घोल में चीनी का प्रतिशत कितना हो जाए 75%, यानी कि बराबर कितना हो जाए 75%, यानी 75/100। आशा करते इस बात को आपने सुना होगा और समझा होगा। एक बार फिर से देखते हैं क्या किया हमने। उसे बोला 50 लीटर में 60% चीनी है, तो आप पहले 50 का 60% निकाला, चीनी 30 हो गई और मिश्रण हमारे पास कितना है 50। कह रहा बताइए कितनी चीनी मिलाई जाए। तो भैया कितनी चीनी मिलाई जाए हमें तो नहीं मालूम, तो हमने मान लिया चीनी मिलाई जाए एक्स। तो एक्स जब चीनी यहां मिलाएंगे तो ये भी एक्स बढ़ जाएगा, इसमें चीनी मिलाएंगे तो ये भी बढ़ जाएगा, जिससे कह रहा है नए गोल में जो मिश्रण में चीनी हो जाए वो कितने परसेंट हो जाए 75%। तो 75% का मतलब 75/100, भाई इसे कैलकुलेट कर दीजिएगा, 25 या 75 और 2500 को 100, और हमें मैथ में एक चीज तो आती ही है, कैची गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएंगे 120 + 4x बराबर ये हो जाएंगे आपके कितने 50 + 150 + 3x। x x जब एक तरफ लाएंगे तो x बराबर जब इस तरफ जाएगा तो कहने का मतलब कितना आ जाएगा 30। कहने का मतलब कि जो आपको चीनी मिलानी होगी वो कितनी मिलानी होगी 30 किलोग्राम। जो आपको चीनी मिलानी होगी वो चीनी कितनी मिलानी होगी 30 किलोग्राम। आशा करते हैं ये छोटी सी और बेसिक बात आपको अच्छी तरीके से आती है। आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं और आपने इसी प्रकार से लगाया भी है। आइए इसमें देखते हैं और हम क्या कुछ कर सकते थे, तो आइए इसमें कुछ नया भी सीख लेते हैं। ये बातें हमें आती हैं, हम इनको भी याद रखेंगे, इससे भी क्वेश्चन लगा सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ नया सीखने का प्रयास भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या चेंजमेंट हो सकता है, किस प्रकार से और लगा सकते थे। तैयार रहिएगा, क्योंकि आपकी जो पुरानी और बेसिक जानकारी है उन बेसिक जानकारियों से हम बड़े से बड़े क्वेश्चन लगा सकते हैं। बस आपको बेसिक जानकारियां बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखनी होंगी। क्या है थोड़ा सा देखिएगा। उसने कहा 50 लीटर चीनी तथा पानी के घोल में कह रहा 60% चीनी है। कह रहा 50 लीटर में कह रहा 60% चीनी है, तो अच्छा 50 का 60% यानी चीनी कितना है 30। अच्छा 30 चीनी है तो पानी कितना हो जाएगा, पानी हो जाएगा 20। कोई प्रॉब्लम किसी को? सुनिएगा, 50 लीटर में कह रहा 60% चीनी है, तो 50 का 60% यानी चीनी कितना है 30, और अगर चीनी 30 है तो पानी कितना हो जाएगा 20। अब कह रहा इस घोल में कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि नए घोल में चीनी 75% हो जाए। अब कह रहा नए घोल में चीनी हो जाए 75%। अच्छा एक बात बताइए, जब नए घोल में चीनी 75% हो जाएगी, जिसका मतलब पानी कितना बचेगा 25%। पानी कितना बचेगा 25%, 25% बचेगा। और देखो आपने चीनी मिलाई है तो भैया चीनी बढ़ेगी, लेकिन जो पानी है वो तो उतना ही रहेगा। यानी कि मतलब पहले हमारे पास पानी अभी कितना था 20 लीटर, तो अब भी हमारे पास पानी कितना रहेगा 20 लीटर, लेकिन अब हमारे पास पानी कितने परसेंट है 25%। सुनिएगा, पानी जितना पहले था उतना ही पानी रहेगा। पहले पानी हमारे पास 20 लीटर था, तो अब भी हमारे पास 20 लीटर ही रहेगा, लेकिन अब पानी हो कितना परसेंट गया है 25%। यानी कहने का मतलब जो 25% पानी है वो किसके बराबर है 20।
कहने का मतलब जो 25% पानी है वो किसके बराबर है? 20। जब 25% बराबर 20 है तो 100% कितना होगा? ये तो आपको निकालना आता ही है क्या, कि यदि इतने परसेंट बराबर इतना तो 100% बराबर कितना? कैसे लिखेंगे? 20 गुणे 100 और बटे नीचे क्या आ जाएगा? 25। तो 25 से कटेगा 4 बार और 20 चौको कितना हो जाएगा? 80। 20 चौको कितना हो जाएगा? 80। लेकिन ये 80 टोटल है और उसमें पहले में कितना दिया गया था? 50। तो जो भी हमारा 100% निकल के आएगा उसमें हम पहले वाला घोल को घटा देंगे और हमारे पास जो चीनी हमें मिलानी होगी वो चीनी कितनी मिलानी होगी? 30 किलोग्राम। आशा करते हैं इस बात को आपने समझने का प्रयास किया है। पहली बार देख रहे हैं, हो सकता है थोड़ी सी समस्याएं, लेकिन आपको समस्या ही ज्यादा देर तक नहीं रहने वाली है। एक बार हम और प्रयास करते हैं। हमने क्या किया, इसको मुरली भी लगा सकते हैं क्योंकि ये बेसिक बातें हमें आती हैं। एक बार और देखिएगा, उसने कहा था 50 लीटर चीनी के घोल में, कह रहा 60% चीनी है। तुमने देखा 50 का 60% यानी चीनी कितनी है? 30। अब अगर चीनी 30 है तो पानी कितना हो जाएगा? 20। कोई प्रॉब्लम? अब कह रहा बताओ कितनी चीनी मिलाए। तो भैया आप चीनी मिला रहे हो, तो चीनी मिला रहे इसका मतलब पानी जितना है वो तो उतना ही रहेगा। अब कह रहा है कि बताओ कितनी चीनी मिलाए ताकि नए घोल में चीनी 75% हो जाए। वो कह रहा है चीनी 75% हो जाए तो इसका मतलब पानी आपके पास अब कितना बचेगा? 25%। आपके पास पानी बचेगा 25%, जबकि आपके पास पानी है कितना? 20 लीटर। यानी कहने का मतलब 25% बराबर ही हमें देता है क्या? 20। जब 25% बराबर इतना, जब इतने परसेंट बराबर इतना, तो 100% बराबर कितना होगा? 20 गुणे 100 बटे 25। काटेंगे 25 चौको 100, 20 चौको 80। ये टोटल निकल के आ रहा है और उस 80 में 50 तो हमारे पास पहले ही था, तो 80 में ये 50 घटा दो तो अपना जो राइट आंसर आएगा वो कितनी चीनी मिलानी पड़ेगी? 30 किलोग्राम। आशा करते हैं अब इस प्यारी सी बात को आप अच्छे से समझ चुके हैं। और अगर इस प्यारी सी बात को आपने समझा हुआ है, सीखा हुआ है, तो इस बात पे और अच्छे से अभ्यास करने के लिए, और अच्छे से सीखने के लिए, और अच्छे से रिवीजन करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि इस क्वेश्चन का, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको देना है और आपका क्वेश्चन आ चुका है सामने। देखते हैं स्पीड से कैसे लगाना है। कह रहा 50 ग्राम मिश्र धातु में कह रहा 80% सोना है, तो 50 का 80% सोना कितना हो गया? 8 × 5 = 40। तो भैया अगर 50 में 40 ग्राम सोना है तो चांदी कितनी बचेगी? 10 ग्राम। कोई दिक्कत किसी को? कह रहा बताइए कितना सोना और मिलाया जाए कि मिश्र धातु में 95% सोना हो जाए। देखिए भाई साहब 95% अब उसे सोना चाहिए, तो भैया अगर सोना 95% चाहिए तो चांदी कितना बचेगा? 5%। चांदी कितना बचेगा? 5%। लेकिन जबकि चांदी हमारे पास है थी कितनी? 10। चांदी हमारे पास हो जाएगी 5%, जबकि चांदी रहेगी 10, यानी कि 5% बराबर हमें कितना दिया जा रहा है? 10। इस बात को आप समझ रहे होंगे, क्योंकि आप सोना बहा रहे हैं तो सोना बढ़ेगा, चांदी जितनी थी वो तो उतनी ही रहेगी। चांदी हमारे पास 10 ग्राम थी तो अब भी हमारे पास 10 ही ग्राम रहेगी चांदी। लेकिन कह रहा आप सोना 95% होना चाहिए, तो अगर सोना 95% हो जाएगा तो चांदी कितना बचेगा? 5%। यानी कि 5% बराबर वो 10 दे रहा है, जब 5% बराबर 10 है, जब इतने परसेंट बराबर इतना है, तो 100% बराबर कितना है निकालिएगा? 10 × 100 बटे 5। एक बार देखिएगा, जब 5% बराबर इतना है तो 100% बराबर कितना है? सीधे काट दीजिए 5 × 2 = 10, यानी कि टोटल कितना आ जाएगा? 200। और इस 200 में आपके पास पता है कि पहले कितना था? 50। इस 200 में 50 घटा देंगे तो अपना जो राइट आंसर आएगा वो राइट आंसर कितना आ जाएगा? 150 ग्राम। कहने का मतलब अगर आप 150 ग्राम सोना मिला दो तो भैया जो सोना हो जाएगा वो सोना कितना हो जाएगा? 95%। आशा करते हैं अब तो इस बात को आपने अच्छे से समझ ही लिया होगा। और अगर आपने अब इस बात को अच्छे से समझ लिया है, तो इस बात को और अच्छे से समझने और अभ्यास करने के लिए आइए मिलते हैं इसी प्रकार की एक और नेक्स्ट क्वेश्चन से। आ गया है आपके सामने, इस बार जल्दी से आंसर बताने का प्रयास आप लोग भी कीजिएगा, जल्दी से। कह रहा है 300 ग्राम नमक के घोल में, कह रहा है 40% नमक है, तो 300 × 40% तो 4 × 3 = 12, यानी कि नमक कितना है? 120। अगर नमक 120 है तो पानी कितना रहेगा? 180। कोई दिक्कत किसी को? कह रहा बताओ कितना नमक मिलाया जाए। नमक मिलाने की बात करता है, पानी सेम रहेगा, नमक मिला रहा है तो पानी सेम रहेगा। नमक कितने परसेंट हो जाए? 50%। तो भैया अगर नमक 50% हो जाएगा तो पानी भी कितना बचेगा? 50%। यहां पानी हमारे पास 50% है, जबकि पानी हमारे पास 180 है, यानी 50% बराबर कितना दिया जा रहा है? 180।
जब 50% बराबर 180 है तो 100% बराबर कितना होगा? हमारा आगे लिखना तो बेकार ही है, क्योंकि आपको पता है जब 50% बराबर 180 तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 360 होगा कि नहीं होगा, ये तो आप निकाल ही सकते हैं। जब 100% बराबर 360 आ गया है, उसने पूछा कितना सोना मिला है, कितना नमक मिलाया जाए, तो भैया पहले हमारे पास कितना था? 300, तो इसमें से 300 घटा देंगे और अपना जो राइट आंसर आ जाएगा वो राइट आंसर कितना आ जाएगा? 60। कितना आ जाएगा? 60, यानी 60। आशा करते हैं अब इस प्यारी सी बात को आप अच्छे से समझ चुके हैं। इस प्रकार का आज के बाद जब भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम हॉल में आएगा तो उन क्वेश्चनों को आप बड़ी अच्छी तरीके से, आसानी से, बहुत ही अच्छी तरीके से वहां लगाकर अपने नंबरों को फाइनल कर सकते हैं। और आपको मालूम है कि हम एक एक नंबर को तय करते हुए अपनी मंजिल के पास पहुंचेंगे, तो इसलिए हर एक क्वेश्चन, हर एक नंबर हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी क्वेश्चन को हम नजरअंदाज नहीं करेंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन हमें एक नंबर देने के लिए पर्याप्त है। तो चलिए इसी सफर में अब एग्जामिनर और क्या चेंज करता है, क्वेश्चन को किस लेवल तक ले जा सकता है, उस लेवल को देखते हैं और आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। पढ़िएगा, बदल गया है, ज्यादा स्पीड में नहीं चलना है, धीमे चलना है लेकिन आराम से चलना है। क्या कह रहा है? पढ़िए क्वेश्चन, बहुत कुछ क्वेश्चन ने बदल दिया है। अगर हमने क्वेश्चन को मजाक में लिया तो चले जाएंगे, लेकिन आप मजाक नहीं करेंगे, आप सीरियस तौर पर इसे समझेंगे। क्या कह रहा है कि एक बाल्टी में 40 लीटर पानी तथा नमक का मिश्रण है, जिसमें 10% नमक है। कह रहा है बाल्टी में से 8 लीटर पानी वाष्प के द्वारा उड़ गया और कह रहा है उड़ा दिया जाता है, और कह रहा है बाल्टी में अलग से 4 किलोग्राम नमक डाल दिया जाता है, तो नए मिश्रण में नमक का प्रतिशत क्या है? ये क्वेश्चन है हमारा बेसिक। अभी बेसिक नहीं रहा, अच्छा क्वेश्चन हो चुका है, लेकिन आपको कुछ बेसिक बातें याद हैं, आपको कुछ बेसिक बातें मालूम है। क्या आपको मालूम है कि वाष्प के रूप में जो चीज उड़ती है, वाष्प के रूप में जो चीज उड़ती है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? पानी। वाष्प के रूप में जो उड़ता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या उड़ता है? पानी। कभी भी चीनी या नमक वाष्प के रूप में नहीं उड़ती है, ये आपको मालूम है। आपको ये मालूम है कि जब मिश्रण में चीनी या नमक डालते हैं, आपको एक बात और मालूम है कि जब मिश्रण में चीनी या नमक डालते हैं तो चीनी भी बढ़ती है और उसके साथ साथ जो हमारा मिश्रण होता है वो मिश्रण भी बढ़ता है। ये बेसिक बातें आपको मालूम है, और जो ये बेसिक बातें मालूम है यही बेसिक जानकारी हमारे इस क्वेश्चन को लगाने के लिए पर्याप्त है। आइए देखते हैं कैसे लगेगा, और तमाम लोगों के आंसर भी आ रहे हैं, वेरी गुड। लेकिन गलती नहीं करिए, थमिएगा, सुन लीजिए क्या करना है। कह रहा है बाल्टी में 40 लीटर पानी तथा नमक का मिश्रण है, कह रहा है जिसमें नमक 10%, यानी 40 का 10% नमक है, तो भैया 40 का 10% आपके पास नमक कितना हो गया? 4। बताइए, याद है किसी कोई परेशानी? बहुत ही आराम सुनिएगा, 40 लीटर में कह रहा है 10% नमक है, तो भैया 10% यानी 4 किलोग्राम नमक होगा। कह रहा है बाल्टी में से 8 लीटर पानी वाष्प के रूप में उड़ा दिया, अब वही बातें जो अभी हमने बोली थी। कह रहा बाल्टी में से 8 लीटर वाष्प के रूप में उड़ा दिया, तो अच्छा एक बात बताइए, जो 8 लीटर उड़ेगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या उड़ेगा? पानी। अभी आपके पास मिश्रण था 40 लीटर, अभी आपके पास मिश्रण था 40 लीटर, उसमें 8 लीटर आपने पानी उड़ा दिया है। जब 8 लीटर पानी उड़ जाएगा तो इसका मतलब अब आपके पास जो मिश्रण बचेगा वो कितना बचेगा? 32 लीटर, इतना ही बचेगा। उसे बोला 8 लीटर पानी उड़ा दिया, 40 लीटर मिश्रण था, उसमें अगर 8 लीटर पानी आप उड़ा दोगे तो इसका मतलब हमारे पास जो मिश्रण बचेगा वो 32 लीटर बचेगा। उसके बाद अभी आप शांत नहीं है, वो फिर क्या कह रहा है? उसके बाद वो कह रहा है कि बाल्टी में अलग से 4 किलोग्राम नमक डाल दिया, कह रहा है इसके बाद बाल्टी में 4 किलोग्राम नमक और डाल दिया। देखिए, पहले हमारे पास नमक कितना था? 4 किलोग्राम, और उसमें 4 किलोग्राम नमक आपने और डाल दिया। देखिए भैया, 4 किलोग्राम पहले था, 4 किलोग्राम और डाल दिया, तो इसका मतलब हमारे पास नमक कितना हो गया? 8 किलोग्राम। मिश्रण हमारे पास 32 बचा था, लेकिन जब 4 किलोग्राम नमक डालेंगे तो 4 किलोग्राम या 4 लीटर हमारा मिश्रण भी बढ़ेगा, तो इसका मतलब हमारे पास मिश्रण अब कितना हो जाएगा? 36। इस बात को समझने में शायद आपको कोई भी असुविधा नहीं हुई है, आपने यहां तक की बातें समझ ली होंगी। और अगर यहां तक की बातें समझने में किसी प्रकार की समस्या हो तो आइए इस बात को एक बार हम और रिपीट करते हैं, क्योंकि यही चीज हमें समझनी है इस क्वेश्चन में, और अगर ये बात हमें समझ में आ गई तो क्वेश्चन को लगाने में इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, आप बड़ी आसानी से लगा सकते हैं क्वेश्चन को। एक बार फिर से देखिएगा, समझ लीजिएगा।
ऐसे आपको ये बातें आ चुकी हैं, आप लोगों के आंसर भी आ रहे हैं, वेरी गुड। लेकिन जिसको भी समझने में प्रॉब्लम आई है वो एक बार और समझेगा। कह रहा है 40 लीटर में 10% नमक है, तो 40 का 10% यानी नमक कितना है 4। कह रहा बाल्टी में से 8 लीटर पानी को वाष्प के रूप में उड़ा दिया। देखिए 40 लीटर हमारे पास था, उसमें 8 लीटर अगर उड़ा देंगे मतलब 8 लीटर उड़ा दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, तो हमारे पास मिश्रण कितना बचेगा 32 लीटर, कोई दिक्कत। कह रहा अलग से 4 किलोग्राम नमक और डाल दिया, तो ये 4 किलोग्राम जब नमक डालोगे तो टोटल हमारे पास नमक, जब नमक पहले भी 4 था, 4 अब डाल दिया, नमक कितना हो जाएगा 8। लेकिन जब मिश्रण में नमक या चीनी डाली जाती है तो समय मिश्रण भी तो बढ़ता है, तो मिश्रण भी 4 बढ़ जाएगा। जब मिश्रण 4 बढ़ जाएगा तो मिश्रण कितना हो जाएगा 36। कहने का मतलब हमारे पास प्राप्त मिश्रण 36 है और उसमें नमक कितना है 8। कहने का मतलब हमारे पास प्राप्त मिश्रण 36 है और उसमें नमक कितना है 8। कहने का मतलब ये हुआ, क्या कह रहा है कि नए मिश्रण में नमक का प्रतिशत कितना है, तो भैया नए मिश्रण में नमक कितना है 8 बटे टोटल मिश्रण कितना है 36, और गुणा किसका करोगे 100 का, 4 दूनी 8 और 4 निम्मा 36, तो ये हो गए 200/9। काट दीजिए 9 दूनी 18, 2 बचे 20 हो गए, 9 दूनी 18 2/9। कहने का मतलब जो नया मिश्रण है उस नए मिश्रण में जो नमक होगा वो नमक कितना होगा 22.9%। आशा करते हैं अब इस बात को आपने समझने का और सीखने का प्रयास किया है, और अगर आपने इस बात को समझा या सीखा हुआ है तो इस बात पे और अच्छे से रिवीजन के लिए सेम टू सेम और सरल भाषा में क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, तो आइए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। पढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, लगाइएगा आंसर, बताइएगा जल्दी। उसे बोला है एक बर्तन में 10 किलोग्राम नमक तथा पानी का मिश्रण है, कह रहा है जिसमें 20% नमक है। कह रहा है 10 किलोग्राम में, कह रहा 20% नमक है, तो पहले 10 का 20% यानी नमक कितना है 2 किलोग्राम, बताइए याद है कोई दिक्कत। कह रहा 3 किलोग्राम पानी को या 3 लीटर पानी को वाष्प के रूप में उड़ा दिया जाता है। भाई साहब आपका मिश्रण 10 था, उसमें 3 उड़ चुका है, तो भैया मिश्रण कितना बाकी रह गया 7। और कह रहा तथा 3 किलोग्राम नमक अलग से डाल दिया जाता है। सुनिएगा, पहले नमक 2 हमारे पास था, वो ऑलरेडी पहले से था, और उसमें 3 किलोग्राम नमक आपने और डाल दिया, तो भैया टोटल नमक कितना हो गया 5। और जब 3 किलोग्राम नमक डालोगे तो टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा 7, पहले से था 3 और डाल दोगे तो 7 में 3 डाल दोगे, टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा 10, बताइए कोई दिक्कत किसी को। तो हमारे पास प्राप्त मिश्रण हो गया 10 और उसमें अब नमक कितना है 5। हमारे पास मिश्रण हो गया 10 और उसमें नमक कितना है 5, यानी कि 10 में 5 नमक है। वो पूछा कितने परसेंट नमक है, तो भैया नमक है हमारे पास 5 बटे टोटल कितना है 10, और गुणा करेंगे 100 का, 0 0 कटेगा और अपना जो राइट आंसर आएगा वो राइट आंसर आ जाएगा 50%। कहने का मतलब हमारे पास प्राप्त मिश्रण में जो नमक का प्रतिशत हो चुका है वो कितना हो चुका है 50%। इस प्यारे से क्वेश्चन को सीखने के बाद अब एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन को और हमारे सामने चैप्टर में लाता है, आइए मिलते हैं अपने इसी सफर में आगे बढ़ते हुए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। तो आपके सामने आता हुआ एक और नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड। क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि आम के मूल्य में कमी होने के कारण, एक नए डिजाइन का क्वेश्चन है, आप आंसर बताना चाहे बता सकते हो, और काफी लोग पहले से ही सॉल्व कर रहे थे, वेरी गुड, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, सरलतम क्वेश्चन। कह रहा आम के मूल्य में कमी होने के कारण एक व्यक्ति 1.25 रुपए में 3 आम की जगह 1 रुपए में 3 आम खरीद लेता है। मतलब पहले जो है वो 3 आम 1.25 रुपए के मिलते थे, प्यार से समझ लेना कितना सरल क्वेश्चन है। कह रहा पहले 3 आम 1.25 रुपए के मिलते थे, अब वही 3 आम 1 रुपए के मिलते हैं, पूछ रहा बताइए मूल्य में कितने परसेंट की कमी हुई, कितना सरल तो क्वेश्चन है। कह रहा वही 3 आम खरीदे थे, वही 3 आम बेचे, मतलब ये जो आपके ऑब्जेक्ट यानी कि जो वस्तुएं हैं वो तो बराबर ही है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि पहले 1.25 रुपए का आता था, अब आता है 1 रुपए का, वो पूछे बताओ कितने परसेंट की कमी हुई है, बताइए कितने परसेंट की कमी, अच्छा बताइए कितने पैसे कमी हुई, तो आप बोलोगे 0.25 की, बटे पहले कितना था आपका, पहले था 1.25, और गुणा किसका कर दोगे 100 का, 0.25 × 25 = 125, और 5 × 10। कहने का मतलब उसकी जो कीमत में कमी आई है वो कमी कितनी आ गई 20%,
बात समझे या नहीं? कितना बेसिक क्वेश्चन था, एक बार फिर से देखिए। कह रहा पहले तीन आम मिलते थे 1.25 के, अब वही तीन आम मिलते हैं 1 रुपए के। देखिए ऑब्जेक्ट तो आपके बराबर है, मतलब वस्तुएं तो बराबर है, तो कोई टेंशन ही नहीं है यहाँ पे। पहले आता था 1.25 रुपए का, अब आता है 1 रुपए का। आप बताइए कितने कमी है, बताइए आप बताइए कितने कमी है। तो आप बोलोगे 0.25 बटे पहले कितना था 1.25, गुणा किसका कर देंगे 100 का, तो कैलकुलेट करेंगे, कहने का मतलब कितने परसेंट की कमी हो गई, 20%। यहां तक बात समझ में आई या नहीं? वेरी गुड। लेकिन काफी लोगों के माइंड में क्वेश्चन उठेगा, अच्छा अभी ये वस्तुएं बराबर थी इसलिए आपको कोई टेंशन नहीं हुई, और अगर ये वस्तुएं अलग अलग होती तो फिर क्या होता? तो भैया क्या होता उसको भी देख लेते थोड़ा सा, थोड़ा सिर्फ सुन लीजिए। अगर हम इस जगह ये बोल देते कि 1.25 रुपए में 3 आम खरीदता और 1 रुपए में 4 आम बेच देता है, हम ये अलग अलग बेच कर देते, सिर्फ सुन लीजिए, तो फिर कितने परसेंट का लाभ होता? तो हम देख रहे हैं कि खरीदे आपने 3 थे, बेच आप 4 रहे हो, खरीदे आपने 3 है, बेच आप 4 रहे हो, तो हम क्या करेंगे, जो खरीदने और बेचने की जो वस्तुएं उन्हें कैसे भी बराबर कर लें। बस आपको सिर्फ इतना वहां दिमाग लगाना पड़ेगा कि जो खरीदने और बेचने वाली वस्तुएं बराबर कर दो। कैसे बराबर करोगे? अच्छा बताओ क्या 3 और 4 कैसे भी बराबर हो सकते हैं? आप बोलोगे हाँ हो तो सकते हैं। हम पूछेंगे कैसे? आप कहोगे ऊपर वाले में 4 का मल्टीप्लाई कर दो तो भी ये 12 हो जाएंगे, आप कह रहे नीचे वाले में 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो भी ये 12 हो जाएंगे। बात सुन रहे या नहीं? तो अगर 4 का मल्टीप्लाई यहां किया तो 4 का मल्टीप्लाई यहां भी कर दो, अगर 3 का मल्टीप्लाई यहां किया 3 का मल्टीप्लाई यहां भी कर दो। बात समझ रहे होंगे? जब इसमें 4 का गुणा करेंगे तो 4 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ये 5 रुपए, और इसमें जब 3 का गुणा करेंगे तो 3 रुपए। कहने का मतलब पहले आते थे 5 रुपए के, अब आते हैं 3 रुपए के। पूछा है कितने परसेंट की कमी हुई है, तो आप बताई दोगे कितने कमी है, 2, और बटे 5 × 100, तो 5 से कटेगा कितनी बार, 5 × 2 = 10, और 20 कितने हो जाएंगे, 20 × 2 = 40%। बात समझे या नहीं? लेकिन हमारा ऐसा करने का कोई मतलब ही नहीं, ये क्वेश्चन ही नहीं था हमारे लिए। हमारे लिए जो क्वेश्चन था वो सिर्फ इतना क्वेश्चन था। वो बात तो आप समझ ही गए होंगे। बताइए यहां तक की बात आपको समझ में आई है या नहीं? वेरी गुड। यहां तक प्यारी सी बात हमने बहुत ही अच्छी तरीके से समझ ली है, और अगर इस प्यारी सी बात को हम समझ चुके हैं तभी तो हम देख रहे हैं कि इस चैप्टर में एग्जामिनर हमसे किस किस प्रकार से बदलाव करते हुए क्वेश्चन पूछता है। तो आइए मिलते हैं अपने इसी कड़ी में एक और नेक्स्ट क्वेश्चन से। बहुत अलग टाइप का क्वेश्चन है, पढ़िएगा, तो समझ में नहीं आ रहा है क्या कहना चाहता है ये, लेकिन आप समझ सकते हो, समझिए। अच्छा पढ़िए पूरे क्वेश्चन में कितने लोग हैं। नेहा है, टीना है, मीना है और लीना है। हा, 4 लोग हैं, नेहा है, टीना है, मीना है और लीना है, ये 4 लोग हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बस इसको समझना है। पहले कह रहे हैं नेहा का वजन टीना के वजन का 140% है, टीना का मालूम नहीं है 140%, अभी हम क्या करते हैं। कह रहा मीना का वजन लीना के वजन का 90% है, लीना का नहीं पता था 90% क्या करते हैं। हाँ आगे पढ़िएगा, थोड़ा सा लैंग्वेज कुछ हेल्प करेगी। फिर कह रहा लीना का वजन टीना के वजन का दुगना है, कह रहा जो लीना का वजन है वो टीना के वजन से दुगना है। कह रहा लीना का वजन टीना से दुगना है, तो टीना का पता नहीं है लेकिन उसका दुगना है, परसेंटेज पे बातें करता है। सबसे आसान क्या होता है, 100। अरे मान लिया टीना का वजन 100 है तो लीना का हो जाएगा 200, क्योंकि दुगना है, कोई प्रॉब्लम। बस अब पहली लाइन पर ये क्या कह रहा था, पहली लाइन कह रहा था नेहा का वजन टीना के वजन का 140% है, मतलब 100 का 140% है नेहा का वजन, तो ये 100 का 140% कितना होता है, 140, यही होता है। कह रहा है कि मीना का वजन लीना के वजन का 90% है, और लीना का वजन कितना है 200, और उसका 90%, तो 200 का 90% अगर आप करोगे, अच्छा तो ये 200 का 90% करोगे तो 9 × 2 = 18, कहने का मतलब मीना का वजन कितना हो गया 180। अच्छा था, इन चारों के वजन को लिखने में कोई समस्या किसी को? एक बार फिर से देखते हैं। उसे बोला था लीना का वजन टीना का दुगना है, तो टीना का हमने मान लिया 100, तो उससे दुगना कितना हो जाएगा 200। कह रहा था नेहा का वजन टीना के वजन का 140% है, तो 100 का 140% 140 हो गया। मीना का वजन लीना के वजन का 90% है, तो लीना का 200 है, 200 का 90% 180 हो गया। अब बस क्वेश्चन जैसा कहता है वैसा सुनिएगा। कह रहा तदानुसार यदि नेहा का वजन मीना के वजन का X% हो, कह रहा नेहा का वजन मीना के वजन का, मीना का वजन कितना है 180, कह रहा मीना के वजन का माने गुणा, कह रहा X% है X/100 क्या हो, कह रहा नेहा का वजन और नेहा का वजन कितना है 140, यही तो कहा है। उसने कहा है यदि नेहा का वजन मीना के वजन का 1% हो, तो मीना का 180 का X/100 किसके बराबर हो इसके, तो पूछ रहा है X का मान बताइए। अब तो आप पक्षांतर कर ही देंगे,
दो पाँच और ये हो जाएंगे नौ, तो x बराबर आ जाएगा 54 70, मतलब 700 बटे नौ काट दीजिए, 9 7 63, 7 बचेंगे 70, 9 7 63, 7 बटे नौ। कहने का मतलब यहाँ जो x का मान निकल के आएगा वो x का मान निकल के आएगा 77 सही 7 बटे नौ। आशा करते हैं अब इस प्यारी सी बात को, इस प्यारे से क्वेश्चन को भी आपने अच्छे से समझा हुआ है, समझ में आया है या नहीं? वेरी गुड। और अगर आपने इस अच्छे से क्वेश्चन को समझा हुआ है तो इन बदलते हुए क्वेश्चन के सफर को और आगे बढ़ाते हुए आइए मिलते हैं अपने एक और प्यारे से क्वेश्चन से। आ गया है, पढ़िए आप क्वेश्चन। कह रहा है राम अपने वेतन का 14% बचत करता है, श्याम अपने वेतन की 22% बचत करता है। आगे बोला यदि दोनों समान वेतन पाते हैं, अच्छा, और कह रहा श्याम 1540 रुपए की बचत करता है, तो राम की बचत बताइए। देखिए कह रहा है दोनों की आय बराबर है, जितना ये कमाता है उतना ये कमाता है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्या कह रहा है, उसे बोला कि श्याम जो है वो कितनी बचत करता है, 1540 रुपए की। आगे बोला था श्याम जो बचत करता है वो करता है 22%। पहले कहता है 22% बचत करता, अब कहता 1540, यानी कि 22% बराबर कितना दिया गया, 1540। आपको 22% बराबर 1540 दिया गया है। अगर पूछता उसका वेतन बताइए, वेतन होता है 100%, लेकिन वेतन नहीं पूछा, क्या पूछा है पढ़िए। कह रहा राम की बचत बताइए, कितना सरल है। और राम पर कितना बचाता है, पहले लिखा है 14%, वो कह रहा राम की बचत बताइए और राम कितना बचाता है 14%। तो भैया कितना बेसिक सी बात है पकड़िएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि इतने परसेंट बराबर इतना, क्वेश्चन क्या कह रहा कि यदि इतने परसेंट बराबर इतना, तो पूछा है राम की बचत, तो यदि इतने परसेंट बराबर इतना, तो भैया 14% बराबर कितना, यही तो बोला उसने। कितनी प्यारी सी लाइन है कि यदि इतने परसेंट बराबर इतना, तो 14% बराबर कितना, तो कैसे करेंगे 1540 गुणे 14 और बटे 22, 11 दूनी 22, 11 सी कट कीजिए, 11 एकम 11, 4 बची 11 चौक 44 0 और काट दीजिए, 2 से कटेगा ये 7 बार और गुणा कर देंगे जो भी आएगा अपना आंसर। तो भैया 14 सत्ते कितने होते हैं बताइए, 14 सत्ते कितने होते हैं, 14 सत्ते 98, तो अपना जो राइट आंसर आएगा वो राइट आंसर कितना आ जाएगा, 980 रुपए। कहने का मतलब जो उसकी राम की बचत है वो राम की बचत कितनी आ जाएगी, 980 रुपए। आशा करते हैं कि आज जो भी क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, जो भी क्वेश्चन का रिवीजन और सिखाया जाने का प्रयास किया गया है, आपने ये सभी क्वेश्चन अच्छे से समझे होंगे या रिवीजन किए होंगे। बताइएगा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन आप सभी लोगों को समझ में आए हैं या नहीं, वेरी गुड। और अगर आपको यहाँ तक की सफर के सभी क्वेश्चन समझ में आ चुके हैं, तो हमने परसेंटेज में अधिकांशतर सभी प्रकार के क्वेश्चन को लगाने का और सीखने का प्रयास कर लिया है। हमने ऑलरेडी परसेंटेज के 7 भाग पढ़ रखे थे, आज 8वां भाग हम पढ़ रहे हैं, और इसी के आगे जो नेक्स्ट भाग आएगा उस टॉपिक में परसेंटेज की किसी एक थीम पर क्वेश्चन ना होते हुए परसेंटेज के मिक्स क्वेश्चन को लिया जाएगा। मतलब जितने भी प्रकार की बातें अभी तक हमने सीखी हुई हैं उन सभी कुछ प्रकार की बातों से मिक्स करते हुए जो भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम हॉल में आ चुके हैं या आने की संभावनाएं हैं, उन सभी क्वेश्चन को सीखने का और समझने का प्रयास किया जाएगा। और इसी के साथ आप सभी लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं ये हमें विश्वास है, लेकिन आपसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं अपनी तैयारी को आप सीरियस तौर पर कंटिन्यू रखिए, क्योंकि आपकी कंटिन्यू ही आपको मंजिल तक पहुंचाएगी। क्योंकि अगर हमने काम को करते हैं तो काम करना एक अलग चीज है, लेकिन काम को सीरियस तौर पर कंटिन्यू करना ये एक अहम बात है, और आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि जो जो अपनी मंजिल पर पहुंचे हैं वो इसी रास्ते से होते हुए पहुंचे हैं, तो आपको भी इसी रास्ते पर चलकर पहुंचना है। और इसके साथ ही अगर आप इस चैप्टरों पे यहाँ जो सिखाई जाने वाली बातों को अच्छे से समझ रहे हैं, तो इन बातों पे और अच्छे से अभ्यास करने के लिए आप सभी लोग संकल्प के टेलीग्राम ग्रुप या चैनल से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहां पर आपको रोज 7:00 जो भी हम ये चीजें सीखते हैं इन चीजों का टेस्ट और स्पीड के लिए आपका अभ्यास कराया जाता है, जिस पे आप पार्टिसिपेट होके अपनी स्पीड को अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि आज का दिया गया आपका समय भविष्य में आपकी बहुत सारे समय की बचत कर देगा,
तो कृपया करके आप अपने इस अनमोल समय को ऐसी जगह लगाए रखिए जिसके जिससे आपको भविष्य में अपने समय की बचत मिल सके। और इसी के साथ अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आगे आने वाली सभी क्लासों का नोटिफिकेशन आपके पास उचित समय पर पहुंचता रहे। इसके साथ किसी प्रकार की समस्या होने पर आप सभी लोग नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए हमारा और आज का सफर यहीं ओवर होता हुआ, हमारी और आपकी अगली मुलाकात एक बार फिर से होगी नेक्स्ट डे इसी टॉपिक में नए क्वेश्चनों के साथ नई उम्मीदों के साथ। तब तक के लिए आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।